तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप ठीक होंगे आप। आज जो हम जो वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने का जो मोटिव है आज ये है कि ये हमारा ओलस वन प्रो है, और ओलस वन प्रो पे आज हम क्या करेंगे इस वीडियो में, आज हमको दिखाएंगे आपको कि एक मोड में, हर एक मोड में कितनी इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड जाती है। सबसे पहले चलाएंगे इको मोड पे, टॉप स्पीड चेक करेंगे, फिर नॉर्मल मोड पे करेंगे, फिर करेंगे स्पोर्ट मोड पे, और फिर उसके बाद करेंगे हाइपर मोड पे, जो मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, कितना स्पीड में भागेगा। लगभग 100+ जाता है ये, तो देखेंगे 100+ में कितना जाएगा, 100+ जाने पे मतलब कितनी देर लेगी और कितनी मैक्सिमम रेंज लेगा, मतलब 110 जाएगा, 115 जाएगा, 120 जाएगा। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहते हैं 116 मैक्सिमम हमारे स्कूटर की टॉप स्पीड है। तो फ्रेंड अभी हम इसको शुरुआत करेंगे, आज देख के और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि एक एक मोड पे कितनी इसकी मैक्सिमम स्पीड लेता है, टॉप स्पीड कितनी जाती है। तो शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। फ्रेंड ये है हमारा ओलस वन प्रो स्कूटर, और अब हम इसको खोलते हैं लॉक इसका। ये हमने इसका लॉक खोला और हम इसको इको मोड पे चलाएंगे सबसे पहले। तो गाइज अभी हमने क्या कर दिया, हम आपको दिखाई दे रहे हैं अभी पार्किंग मोड पे खड़ा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करते हैं इको मोड पे। अब हम इसको इको मोड पे करते हैं, देखिए ये हमने इसको कर दिया इको मोड पे, और ये इसको नॉर्मल डिस्प्ले पे कर दिया। अब यहाँ आएगा जैसे नॉर्मल मोड लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी आएगा इको मोड। तो इको मोड पे करने के लिए क्या करना है, जैसे ये आपको स्विच दिखाई दे रहा है, इसको ना बिजली वाले स्विच को थोड़ी देर दबा के रखना होता है। तो थोड़ी देर जैसे दबाएंगे इको मोड आ गया, देखिए। अब हम इसको इको मोड पे इसकी चलाओ इसकी रेंज टेस्ट करेंगे इको मोड पे, कितनी स्पीड मैक्सिमम रेंज पकड़ता है, कितनी टॉप स्पीड होती है इसकी। तो अब ये 10-11 ऐसे बढ़ते 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 स्लो मोशन में उड़ता है, इको मोड में आराम से चलता है एकदम। तो अब हम इसको चलाएंगे, देखते हैं कितनी मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, मतलब टॉप स्पीड कितनी होती है। तो ये अभी 39, 40, 41 पहुंच गया, 42, 43, मतलब कि इसकी जो टॉप स्पीड इको मोड पर है 43 है, 42 और 43 जा रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है 42 और 43 जा रहा है। तो फ्रेंड ये आपको दिखाई दे रहा हूँ मैक्सिमम जो इको मोड पे इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड है वो 42 43 है, उससे आगे नहीं चल रहा। अब हम इको मोड से निकालते हैं, करते हैं इसको क्या कहते हैं नॉर्मल मोड में। अब हम इसका नॉर्मल मोड चेंज कर, इको मोड से चेंज करके नॉर्मल मोड पे लाते हैं। ये अभी यहाँ देखिए यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये आ गया नॉर्मल मोड पे। अब नॉर्मल मोड में हम इसको भगाएंगे भगाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड कितनी है। अब ये मैक्सिमम स्पीड में पहुंचने जा रहा है, देखिए कितने अचीव, कितनी अचीव करता है। अब देखिए 62 हो गया है, 65, 68 कंटिन्यू चल रहा है। तो इसकी जो अभी मैक्सिमम जो टॉप स्पीड निकल जा रही है वो अभी 78, 79 और 81। अरे वाह, मतलब आप ये देखो कि 81 की टॉप स्पीड है इसकी नॉर्मल मोड पर, 81 की टॉप स्पीड। अब हम करते हैं इसको स्पोर्ट मोड में, अब हम इसको स्पोर्ट मोड में डालते हैं, और स्पोर्ट मोड में भी डालोगे अभी आपको नॉर्मल मोड दिखाई दे रहा है, अब हम इसको करेंगे स्पोर्ट मोड। अब ये स्पोर्ट मोड में आगे देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको स्पोर्ट मोड। अब हम इसको दोबारा भगाएंगे और फिर देखेंगे इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड कितनी है। अरे वाह मजा आ रहा है, चलाते हुए मजा आ रहा है, बड़ा मजेदार चल रहा है स्कूटर, ऐसा बैकअप ले रहा है, जबरदस्त पिकअप है। तो ये जो है 94, 94, 95 मैक्सिमम टॉप इसकी जो रेंज टॉप स्पीड आ रही है 95 आई स्पोर्ट मोड पर। अभी जो फ्रेंड इसकी जो स्पीड है टॉप स्पीड 95 है, आपको दिखाई दे रहा है देखिए। अब हम इसका करेंगे रेंज सबसे ज्यादा जो हाइपर मोड में इसकी रेंज आती है उसमें हम हाइपर मोड में डालेंगे इसको, और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि आपको कितना ये भागता है। एक मिनट। तो भाई एक मिनट जरा, भाई ये करा भाई, मैं तो नहीं भगा पाऊंगा भाई 116 की स्पीड में। तो फ्रेंड अभी क्या है, अभी हमने आपकी जो स्पीड टेस्ट कराई है इको मोड में कराई है, नॉर्मल मोड में कराई है, और स्पोर्ट मोड में कराई है, और हमारे ना हाथ बहुत सुन हो गए हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ठंड लगने लगी है। तो हाइपर मोड में चलाने के लिए बहुत डर लग रहा है, पर हमें कोई दिक्कत है, लेकिन यह है कि हम आपके लिए ये भी करेंगे, पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, आपको दिखाई दे रहा है हाथ भी कांपने और मैं भी कांप रहा हूँ, पर कोई नहीं, हम आज इसको आपको स्पोर्ट मोड में चला के देखेंगे, और चला के देखने के बाद फिर देखेंगे कि क्या रेंज हमारे अपग्रेड आती निकल के, और कितनी आती है ये भी चेक करेंगे, क्या ये 115, 120, 125 कितना जाएगा पूरी अभी दिखाएंगे। पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अब हम इसको बढ़ा के दिखाते हैं आपको, अभी हमने क्या करा, अभी इको मोड में चलाया, इको मोड में आया है 43 मैक्सिमम टॉप स्पीड आई है इसकी।
नॉर्मल मोड में जो एटॉमिक स्पीड आई है वो आई है 8081, और उसके बाद अभी हमने जो उसको स्पोर्ट मोड में चलाया तो स्पोर्ट मोड में चलाते हमें जो ठंड लगने लगी और ठंड लगते ही मेरा हाथ काम की लगी क्या है ये 95 गया है। ठीक है, तो फिर अब हम इसको चलाते हाइपर मोड। तो गाइज अब हम इसको चलाएंगे हाइपर मोड में। हाइपर मोड में चलाने के सबसे पहले जो मुझे लगता है कि क्या क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले जो हमारा हेलमेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छी कंपनी का हो, ISI मार का हो। उसके बाद हमें ज्यादा स्पीड में नहीं गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन क्या करें मजबूरी है, इसको देखना भी जरूरी है, टेस्ट करना भी जरूरी है कि कितने हाइपर मोड में कितना मैक्सिमम रेंज पकड़ता है, टॉप स्पीड कितनी है इसकी। तो सबसे पहले ये है कि थोड़ा केयरफुली गाड़ी चलाइए, दूसरा हेलमेट अच्छा रहे, तीसरा जो इसका ये लॉक होते हुक होते हैं आपस में जो लॉक है इसको लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपके सामने लगा ही रहा हूँ, अब हम इसको हाइपर मोड में टेस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। तो फ्रेंड ये है अभी नॉर्मल मोड और अब मैं इसको कर दिया है देखिए आपके सामने ये हाइपर मोड। अब हाइपर मोड से यहीं से हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं हम कितनी रेंज मतलब कितनी टॉप ये मैक्सिमम स्पीड पकड़ता है और कितनी देर में पकड़ता है, ये भी आपको आज दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको चालू करके इसको स्टॉप वॉच पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि कितनी मैक्सिमम कितनी देर में ये टॉप स्पीड कितना भागता है, उसके बाद हम एक टेस्ट और करेंगे इस पर भी थोड़ी देर में अभी चल के। चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड 1 2 3। तो ये हमने शुरू कर दिया और उसको भगाना, अब हम देखो ये तो एकदम रेकेट बन गया, रेकेट फुल भाग रहा है मजेदार। अभी आगे ना ट्रैफिक आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रैफिक स्लो हो गया इस वजह से मैंने इसको गाड़ी को बंदा कर दिया। अभी दोबारा ट्राई करेंगे 114 तक तो जा ही चुका है, अभी दोबारा भगाते हैं एक बार। अभी अभी आपको दिखाया जाएगा 116 तक जो गया है, या तो इसकी टॉप स्पीड यही है 160, क्योंकि अभी एकदम फिर ट्रैफिक आ गया और हम इसको नहीं भगा पाए। अभी दोबारा ट्राई करेंगे एक बार। तो गाइस आपको दिखाई भी दे दिया होगा कि हाँ ये कितना मैक्सिमम टॉप स्पीड में गया है, ये 160 और 115 तक ये टॉप स्पीड में इन्होंने अचीव किया, मतलब 115 तो ये अचीव कर चुका, 160 भी आगे उससे आगे नहीं गया। और ये आप देखेंगे कि दो बंदे बैठाए हैं, हम दो बंदे बैठ के ड्राइव कर रहे थे, दो बंदे बैठने के बाद ये 160 अचीव कर दिया इसने। तो इसकी हाइपर मोड पे जो टोटल फाइनल रेंज या स्पीड टॉप स्पीड आप कहें
तो वो 116 मैक्सिमम हाई स्पीड है इसकी। ओला S1 प्रो की दो बंदे बिठा गए, एक बंदे बिठा के नहीं सिर्फ दो बंदे बिठा गए। तो फ्रेंड आपके वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय।